यहाँ पर हमने जो है पोको डिवाइस के ऊपर आसूस का जो कैमरा एप्लीकेशन है इंस्टॉल किया है। यहाँ पर जेन यूआई कैमरा एप्लीकेशन का जो पोर्ट बिल्ड है अवेलेबल हो गया है एंड इस कैमरा एप्लीकेशन को आप जो है ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर आसूस कैमरा एप्लीकेशन का जो पोर्ट बिल्ड है अवेलेबल हो गया है। तो यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है आप आसूस डिवाइस के ऊपर जो कैमरा एप्लीकेशन का जो यूआई है उसको आप जो है एक्सपीरियंस कर पाओगे आपके डिवाइस के ऊपर। ये जो आसूस का जो कैमरा एप्लीकेशन है इसका जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस कैमरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। विदाउट रूट काम कर जाएगा। यहाँ पर एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14 बीटा के साथ भी काम करता है। हमने यहाँ पर पोको F1 डिवाइस के ऊपर जो है एंड्रॉयड 13 के साथ जो है ये जो आसूस का जो कैमरा एप्लीकेशन है इंस्टॉल किया है ना, यहाँ पर हमने पोको F1 डिवाइस के ऊपर जो है एंशियंट OS कस्टम रॉम को इंस्टॉल किया है। इस रॉम का जो रिव्यू वीडियो है ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, सिंपली पोको F1 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एनवी पर बात कर लेते हैं, जो आसूस का जो कैमरा एप्लीकेशन है इसमें क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर ये जो आसूस का जो कैमरा एप्लीकेशन है पोर्ट बिल्ड है इसलिए ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के ऊपर काम करेगा। रेडमी, शाओमी, पोको, रियलमी, सैमसंग, वन प्लस डिवाइस के साथ भी काम कर जाएगा। प्लस ये जो आसूस का जो कैमरा एप्लीकेशन है लेटेस्ट जो जेन यूआई का जो एंड्रॉयड 13 का जो बिल्ड है उससे पोर्ट किया गया है। तो यहाँ पर लेटेस्ट फीचर्स भी देने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो वाटरमार्क का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है जो कि काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर वाटरमार्क का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14 के साथ। एंड ये जो पोर्ट बिल्ड है तो यहाँ पर डिपेंड करेगा आपके डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर पोको F1 डिवाइस खत काम कर रहा है, रेबनोट 7 डिवाइस खत भी काम कर जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी डिवाइस के साथ ये जो आसूस का जो कैमरा एप्लीकेशन काम कर रहा है। एंड यहाँ पर जो है आपको वाटरमार्क की अगर बात करें, अगर आप चाहो तो ROG का जो वाटरमार्क है उससे भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। प्लस जो Zenfone 9 का जो वाटरमार्क है उससे भी आप अप्लाई कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर ROG का वाटरमार्क प्लस Zenfone 9 का जो वाटरमार्क है देने को मिलता है। ना पर बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में, तो देख सकते हो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलता है। पर फ्लैश का ऑप्शन है, 4:3 का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर 16:9 का जो ऑप्शन से काम कर चुके इसे भी ऐड किया गया है। एंड इस तरह से अलग अलग ऑप्शन है, पर फ्लैश का ऑप्शन है, पर ऑटो ऑन ऑफ प्लस फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, या पर फुल स्क्रीन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एनीवे यहाँ पर HDR मोड का ऑप्शन है, या पर HDR ऑटो, HDR ऑन का ऑप्शन है। अगर आप HDR मोड को ऑन करने के बाद फोटो को क्लिक करोगे तो पर जो फोटो के साथ जो काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल जाएगा। स्पेशली अगर आप आउटडोर में जाके अगर आप फोटो को क्लिक करोगे तो आप डेफिनेटली जो HDR मोड है इसे एनेबल कर सकते हो। एनीवे पर वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, या पर जो वीडियो स्टेबलाइजेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर फ्लैश का ऑप्शन है। टाइम लैप्स की अगर बात करें, पर टाइम लैप्स मोड हो जाए, स्लो मोशन मोड हो जाए शायद काम यहाँ पर नहीं कर रहे थे, पर टाइम लैप्स एंड स्लो मोशन मोड जो है काम नहीं करेगा। बाकी यहाँ पर जो है टाइम लैप्स के ऊपर कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलता है। इस ऑप्शन में टाइप करके जो है यहाँ पर जो ऑटो जूम का जो फीचर्स है उसे भी यूज कर सकते हो। एंड इस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर टाइम लैप्स मोड के ऊपर ऐसे भी फीचर्स अवेलेबल है। एंड यहाँ पर इस कैमरा एप्लीकेशन के साथ अगर आप शटर बटन को यहाँ पर इस तरह से अगर आप स्वाइप अप करोगे तो ऑटोमेटिकली जो काउंट डाउन का जो ऑप्शन है एनेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो फोटो को भी क्लिक कर सकते हो। एंड इस ऑप्शन में टाइप करके आप जो आई फिलहाल ये जो 1x का जो ऑप्शन है काम नहीं कर रहा है, चीज हमने नोटिस किया है। एनीवे यहाँ पर प्रो मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो यहाँ पर प्रो मोड के ऊपर अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन को ऐड किया गया है, पर नंबर ऑफ फोटोज का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर सबसे पहले ऑटो फोकस का ऑप्शन, इस तरह से आप जो मैनुअल फोकस कर सकते हो, इससे भी ऐड किया गया है। पर शटर स्पीड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, देख सकते हो। पर जो शटर स्पीड का जो ऑप्शन है शायद यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। प्लस यहाँ पर ISO का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो यहाँ पर ISO का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। तो यहाँ पर EV एंड यहाँ पर जो है वाइड बैलेंस का ऑप्शन है, तो पर EV एंड वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पर जो शटर स्पीड का जो ऑप्शन है शायद काम नहीं कर रहा है। बाकी इस तरह से यहाँ पर जो है पर मैनुअल फोकस प्लस ISO का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। एंड इस तरह से पर फ्लैश का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है यहाँ पर आसूस कैमरा एप्लीकेशन के साथ जो सुपर रेजुलेशन मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। बेसिकली यहाँ से आप जो है 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल और 200 मेगापिक्सल के साथ जो फोटो को क्लिक कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो सुपर रेजुलेशन मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर सेल्फी पैनोरामा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, जिसके साथ आप जो है
फॉर्म कैबिनेट के साथ भी पैरानोमा मोड के साथ जो है फोटो को क्लिक कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। नंबर बात कर लेते हैं पर जो सेटिंग्स मेनू के बारे में, तो यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के साथ ऐसे भी ऑप्शन है, तो यहाँ से आप जो है 4:3, 16:9 एंड फुल स्क्रीन को सिलेक्ट कर पाओगे। पर टाइमर का ऑप्शन है, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है फ्लैशलाइट काउंटडाउन इंडिकेटर का ऑप्शन है। बेसिकली आप जो है जो शटर बटन है उसे अगर आप लॉन्ग या पर अगर आप स्वाइप अप कर देते हो जो फ्लैशलाइट का जो ऑप्शन है यहाँ से आप जो डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पर वाटरमार्क का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, तो यहाँ पर वाटरमार्क को थोड़ा सा बाद में देखते हैं। एनीवे यहाँ पर जो है टच शटर का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। अगर आप सिंपली इस ऑप्शन को एनेबल कर दोगे, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद अगर आप सिंपली यहाँ पर फोटो में जाके अगर आप सिंपली टैप करोगे, तो यहाँ पर टैप करते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो फोटो क्लिक हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है सिंपली टैप करके फोटो क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर टैप टू फोकस का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, प्लस ऑटोमेटिकली टैप करते ही यहाँ पर जो फोटो क्लिक हो जाएगा। इस ऑप्शन के साथ जो ब्राइटनेस एंड शेडो को एडजस्ट कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। इस तरह से जो फीचर से काम करेगा। तो यहाँ पर टच शटर का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो प्री ऑटो फोकस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है क्यूआर कोड को स्कैन करने का ऑप्शन है। अगर आप जल्दी से क्यूआर कोड को स्कैन करना चाहते हो, आप सिंपली यहाँ पर जो फोटो मोड को एनेबल करने के बाद जो डायरेक्टली यहाँ पर इस कैमरा एप्लीकेशन के साथ जो क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। एंड यहाँ पर इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद मान लेते हैं अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में जाके अगर आप कैमरा एप्लीकेशन को डिसेबल कर दोगे, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में जो है कैमरा एप्लीकेशन ओपन होगा इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद। नेक्स्ट एडिट कैमरा मोड्स का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप जो है फोटो वीडियो इस तरह से जो मोड्स है सब चेंज कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन है काम नहीं कर रहा है, टाइम लैप्स का जो ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, इसे हम जो है यहाँ से जो हाइड कर देते हैं। प्लस जो सेल्फी पैनोरमा का जो ऑप्शन है इसे भी हम सिंपली यहाँ पर अनचेक कर देते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से पर वीडियो प्रो एंड यहाँ पर फोटो एंड प्लस ये जो मोड है देखने को मिलेगा, तो बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली हाइड हो गया। इस तरह से आप जो है कैमरा मोड को जो है एडिट कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लेवल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर ग्रिड के ऊपर 3:3 का ऑप्शन है, प्लस कैमरा साउंड को डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पर जो वाइब्रेशन हैप्टिक को डिसेबल करने का ऑप्शन है, प्लस जो सेप लोकेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यह से आप जो है डिसेबल कर पाओगे। एंड यहाँ पर आप सिंपली वॉल्यूम बटन के साथ जो फोटो को क्लिक कर सकते हो, प्लस यहाँ पर जो वॉल्यूम बटन के साथ भी आप जो जूम कर पाओगे। तो हमने यहाँ पर जो वॉल्यूम बटन के साथ जो शटर का जो ऑप्शन से सिलेक्ट किया है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जो सिंपली वॉल्यूम बटन को प्रेस करके आप जो फोटो को क्लिक कर सकते हो। कुछ इस तरह से वॉल्यूम बटन को प्रेस करके आप जो फोटो को क्लिक कर पाओगे। नाउ यहाँ पर वॉल्यूम बटन को एज ए जूम बटन ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर हमने जो है वॉल्यूम बटन को जूम बटन में जो है सिलेक्ट किया है, उसके बाद सिंपली यहाँ पर जो वॉल्यूम बटन के साथ इस तरह से आप जो जूम कर सकते हो। देखिए पर यहाँ पर वॉल्यूम बटन के साथ जूम का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। तो यहाँ पर जो है फोटो के साथ आप जो है सिंपली 8x तक जूम कर सकते हो। एंड यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी जो है 8x तक जूम का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो है प्रोमोट के साथ भी 8x तक जूम का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर जो है सुपर रेजुलेशन मोड के साथ भी 8x तक जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं पर जो वाटरमार्क के बारे में, देखते हैं पर वाटरमार्क का जो ऑप्शन है काम करते नहीं, तो अभी फिलहाल जो वाटरमार्क जो बंद है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल हमने जो है वाटरमार्क का जो ऑप्शन है एनेबल किया है। देखिए पा रहे हो, तो देखते हैं पर जो वाटरमार्क का जो ऑप्शन है उसे एनेबल करने के बाद जो है पर फोटो के ऊपर वाटरमार्क का जो ऑप्शन काम करते नहीं, तो यहाँ पर जो एक फोटो क्लिक करते, तो यहाँ पर सिंपली हमने एक फोटो क्लिक किया, देखते हैं पर वाटरमार्क का जो ऑप्शन काम कर रहे नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो वाटरमार्क का जो ऑप्शन काम कर रहा है, पर Asus Zenfone 9 करके लिखा गया है। तो कुछ इस तरह से वाटरमार्क का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। और एक फोटो क्लिक करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमने जो है और एक फोटो क्लिक किया है आपके सामने, हमने यहाँ पर जो है लाइव फोटो क्लिक किया है। देखिए बारो, यहाँ पर जो वाटरमार्क का जो ऑप्शन है काम कर रहा है, प्लस यहाँ पर जो है इस तरह से वाटरमार्क का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। तो ये जो Asus कैमरा एप्लीकेशन है, इस कैमरा एप्लीकेशन के साथ जो है वाटरमार्क का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। यानी ये जो कैमरा एप्लीकेशन है Asus कैमरा एप्लीकेशन का पोर्ट बिल्ड है। बेसिकली यहाँ पर इस कैमरा एप्लीकेशन को जो है तैयार किया गया है एक्सपीरियंस करने के लिए, किस तरह से Asus डिवाइस के ऊपर जो कैमरा एप्लीकेशन का जो UI है देने को मिलता है। पर जो है HDR मोड का ऑप्शन है, प्लस जो है जो ROG वाटरमार्क है एंड जो Asus Zenfone 9 का जो वाटरमार्क है, इसके लिए आपको अलग अलग जो है यहाँ पर जो कैमरा एप्लीकेशन का जो बिल्ड है उसे आपको डाउनलोड करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Asus कैमरा एप्लीकेशन का जो है डाउनलोड लिंक देने को
मिल जाएगा। एंड यहाँ पर एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14 के साथ काम कर जाएगा। Zen UI एंड्रॉयड 13 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है Asus कैमरा एप्लीकेशन। एनीवे आप गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके अलग अलग जीकैम का जो वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देखना है। प्लस पोको F1 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके अलग अलग कस्टम रॉम का जो वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देखो। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।